हेलो दोस्तों, अगर आप भी का खाता हो तो लेकर आ चुका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र या पेपर। आपका 50 नंबर का होने वाला है। आपका विषय कोड 322 रहने वाला है। आर्ट्स वालों के लिए यह पेपर होने वाला है। समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का। राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। कक्षा 12 मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 के लिए। इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे सेकंड चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक नंबर जो क्वेश्चन है ना, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। दिया है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है, संविधान है, संसद है या राष्ट्रपति है? देखिए, भारत में सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए, प्रमुख स्रोत जो है ना वो पब्लिक है, यानी कि जनता है। जनता जो है ना वही आपका ना प्रधानमंत्री या फिर किसी और को चुनती है। तो मेन क्या है राजनीतिक सत्ता का कारण? तो ये ना मुख्य स्रोत जनता ही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए, कौन है? तो अध्यक्षता सरकार, यानी कि किसी सरकार पर अध्यक्षता नहीं रहती कि यहीं ये बनेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कभी भी मतलब सरकार पलट जाती है तो कभी पार्टी ही पलट जाती है, यही कारण है। आगे है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव प्रकट करता है? देखिए, भारत में धार्मिक विविधता, भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्मों के प्रति समान भाव है। देखिए, ये सब कहने की बात है, ठीक है? बुक के हिसाब से ये सब सही हो जाएगा, लेकिन ये सब कहने की बात है। अगर आप लोग भारत में देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है? किताबी भाषा में देखेंगे तो। आगे 4 नंबर क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किससे प्रकट की है या किससे प्रभावित हुई है? कनाडा से, अमेरिका से, आयरलैंड से या ब्रिटेन से? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में न्यायिक पूर्णीकरण की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, पंचायती राज निम्नलिखित में से कौन सी सूची में शामिल है? तो कौन सी सूची में? तो राज्य सूची में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? तो 5वां अनुसूची में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन सा शामिल है? कृषि, शिक्षा, रक्षा या पुलिस? तो देखिए, कौन सा है ना समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो 312 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार है, वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कठोर है और लचीला है? तो क्या हो जाएगा ना? अवाद योग्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा था? मिराजी देसाई का, चौधरी चरण सिंह का, चंद्रशेखर का या गुलजारी लाल नंदा का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो कौन रह चुके? तो पीवी नरसिंह राव, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, नोटा का विकल्प के रूप में सबसे पहले कब आया था? 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2018 में? तो देखिए, कब आया था ना, तो 2014 में आया था, ठीक है? यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक नीचे नोटा दिया रहता है ना, मतलब ना आप किसी पर वोट मारेंगे तो एक नीचे नोटा दिया रहता है। अगर नोटा पर वोट मार देंगे मतलब आपका वोट व्यर्थ चला जाएगा, मतलब किसी पर नहीं जाएगा, ठीक है? आप अप्रत्यक्ष रूप से भी किसी को नहीं चुन रहे हो, ठीक है? आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? आतंकवाद है, सीमा विवाद है, जल विवाद, इनमें से सभी? देखिए, आतंकवाद भी है, ठीक है? जो वो लोग आतंकवाद भेजते हैं भारत में, ये भी है। सीमा विवाद भी है, मतलब कश्मीर को लेकर, और जल विवाद भी है, मतलब सिंध का पानी छोड़ देंगे, ठीक है? तो वहाँ पर मतलब ये सब के लिए भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, 26 अगस्त को, 26 नवंबर को, 26 दिसंबर को? तो कब? तो 26 दिसंबर को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो किया था? ठीक है, तो पॉकेट वीटो किया था, तो किसने किया था ना?
तो देखिए के आर नारायण ने किया था, के आर नारायण, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, नकलसवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या बिहार, तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन आपका है, राष्ट्र निर्माण का मार्ग में बाधाएं क्या है, क्षेत्रवाद भी है, भाषाओं की विविधता भी है, जातिवाद भी, इनमें से सभी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो राम मोहन लोहलिया ने, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने, विनोबा भावे ने, आचार्य नरेश देव ने, तो किसने, तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, नीम में से किस राज्य का सृजन 2000 में ही हुआ था, तो किसका, तो तेलंगाना का, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ऐसे शेयर कर देना। भारत में संविधान शोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, कनाडा से, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से या ब्रिटेन से, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25, 26, 27, 29, तो कितने हैं, तो 25 हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ए नंबर इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे है देखिए, व्हेन द सफ्टा फॉर्मेट, सफ्टा की स्थापना कब हुई थी, 2003 में, 2006 में, 2008 में, 2009 में, तो सफ्टा की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भारत में किस तरह का गणतंत्र है, तो किस तरह का, तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु, इनमें से सभी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, इनमें से सभी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशिष्ट समीकरण है, तो सार्क का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है, तो कहाँ दायर की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सूचना का अधिकार अधिनियम कानून किस वर्ष कानून लिया गया था, कानून अधिकार से, मौलिक अधिकार से, राजनीतिक अधिकार से या संवैधानिक अधिकार से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर, ठीक है। देखिए यूरोस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, तो जेनेवा में है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपका सारा 30 में 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सेकंड चैनल पर अपलोड हो जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे।